हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोडेश एकेडमी चैनल में। ठीक है, तो आज हम भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं और आज से हमारी रेगुलर वीडियोस आएगी। ठीक है, तो लूसेंट को हम स्टेप बाय स्टेप लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं भारत का इतिहास। तो भारत का इतिहास तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, हम फालतू की चीजें नहीं पढ़ेंगे, जो काम की है उन्हीं चीजों को हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो भारत का इतिहास कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? प्राचीन भारत, ठीक है, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में किसने बांटा था? क्रिस्टोफ सेलियरस ने। किसने बांटा था? क्रिस्टोफ सेलियरस ने। यह लाइन हमें याद होनी चाहिए कि सबसे पहले भारत के इतिहास को तीन भागों में किसने बांटा था, तो जर्मन का एक इतिहासकार था जिसका नाम क्या है? क्रिस्टोफ सेलियरस। ठीक है, साथ के साथ आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए, दूसरी बार आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इस ढंग से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम प्राचीन भारत से, फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम मध्यकालीन भारत और फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत को कितने कहां कहां से हमने पढ़ा है, ठीक है, और कहां कहां से हमें पता चला है? धर्म ग्रंथ से, ऐतिहासिक ग्रंथ से, विदेशियों के द्वारा और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से। ठीक है, इन चार जगह से हमें प्राचीन भारत की स्रोत मिले हैं। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। ठीक है, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। जिसके संकलन करता है, रचयिता बोल सकते हो, कौन है? वेद व्यास है। ठीक है, भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषीय मानती है। वेद चार है, कौन कौन से है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद। ठीक है, तो यहाँ से हमें दो तीन पॉइंट क्लियर होने चाहिए कि प्राचीन भारतीय इतिहास के कितने स्रोत हैं? चार स्रोत हैं। कौन कौन से? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। दूसरा पॉइंट, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। ठीक है, जिसके रचयिता कौन है? वेद व्यास है। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। कितने वेद है? चार वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, आपका उत्तर होगा ऋग्वेद। ठीक है, और अगर पूछेगा सबसे नया वेद या सबसे बाद का वेद कौन सा है, अथर्ववेद। ये दो पॉइंट यहाँ से हमें याद होने चाहिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है, अब ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान, ऋचाओं मतलब होता है मंत्र, दोहे, इसी को हम क्या बोलते हैं? ऋचाए बोलते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद। कितने मंडल है इसमें? 10 मंडल है। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। और कितने मंत्र हैं? 10462 मंत्र हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। और कितने मंत्र हैं या कितने ऋचाएं हैं? 10462 ऋचाएं हैं। ठीक है, इसकी जो मंत्र हैं उनको जो पढ़ते हैं उन लोगों को हम क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। तो इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इसकी ऋचाएं जो पढ़ेंगे, उन जो ऋषि मुनि जो भी रहेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? होत्र कहेंगे। ठीक है, ये पॉइंट पे बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में, तो हमें याद होना चाहिए। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, कौन से वेद को कहते हैं? ऋग्वेद को कहते हैं। कितने मंडल है? 10 मंडल है। कितने मंत्र है? 10462 मंत्र है। और कितनी सूक्त है? 1028 सूक्त है। ठीक है, इसकी जो ऋचाओं को पढ़ते हैं उन ऋषि को हम क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। ठीक है, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है वापस से। ठीक है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो आपका आंसर होगा सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ठीक है, तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? सूर्य देवता का उल्लेख है या गायत्री मंत्र का उल्लेख है? गायत्री मंत्र किसके द्वारा रचित है? विश्वामित्र के द्वारा रचित है। इसके नौवें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, तो कौन से वेद में देवता सोम का उल्लेख है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के कौन से मंडल में? नौवें मंडल में। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है,
इसके आठवें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बात बनता है कि ऋग्वेद के आठवें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को कहते हैं खिल, कहते हैं क्या, कहते हैं खिल। ठीक है, और जो दसवां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है, ये लाइन याद रखना है। ऋग्वेद के जो दसवां मंडल है उसमें किसका वर्णन है, पुरुष सूक्त का। इसका मतलब ये है कि लोगों को चार कैटेगरी में इनने बांट दिया है। कौन कौन से चार कैटेगरी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा की मुख से, जो क्षत्रिय है वो ब्राह्मण जो ब्रह्मा की भुजाओं से, जो वैश्य है वो ब्रह्मा की जांघाओं से, और जो शूद्र है वो ब्रह्मा के चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, इतनी बातें हमें याद होनी चाहिए। और भी कुछ बातें इसमें इम्पोर्टेंट, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में अधन्य शब्द का संबंध किससे है, गाय से। अधन्य शब्द का संबंध किससे है, गाय से। ठीक है, ये पॉइंट भी हमें याद होना चाहिए। ऐसा किस में लिखा हुआ है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है। ठीक है, ईसा पूर्व और ईसवी, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। सिंपल सी बात है कि जो वर्षों को उल्टे क्रम में लिखते हैं, जैसे 583 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व, तो ये उल्टा चलता है तो उसको बोलते हैं ईसा पूर्व। और जो अभी हमारा कैलेंडर है उसमें हम जो लिखते हैं वो ईसवी में लिखते हैं, और हमारे कैलेंडर का नाम क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है। ठीक है, ये पॉइंट याद होना चाहिए, कोई इतना लोड वाली बात नहीं है, और याद नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, इंग्लिश में बीसी और एडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्रिस्ट और एडी मतलब एनो डोमिनी। ठीक है, ठीक है, वामन अवतार का उल्लेख भी किसमें है, ऋग्वेद में है। ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने, 250 और अग्नि के लिए कितने, 200 मंत्रों का उल्लेख है। कितने का, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने, 250 है, और अग्नि के लिए कितने है, 200 है। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा ऋचाएं किसके लिए है, तो आपका आंसर होगा माता के लिए, सॉरी पिता के लिए। किसके लिए है, पिता के लिए, पिता के लिए। ठीक है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, अब ये लाइन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण आते हैं। ठीक है, तो वैदिक साहित्य जो है उसमें ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है, शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। किसका स्थान है, अभी शतपथ ब्राह्मण क्या है ये आगे समझ में आएगा आपको थोड़ी सी देर में। ठीक है, यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं, इसमें दो लाइन आपको मेन याद रखना है कि यजुर्वेद क्या है। एक तो ये एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों है। दूसरा पॉइंट इसमें है कि जो मंत्र है जो बलि के समय बोलते हैं, ठीक है, उन सबका उल्लेख किसमें, यजुर्वेद में है। ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं। और इसके जो पाठकर्ता है इसको अपन क्या बोलते हैं, अथर्वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अथर्वी। जो ऋग्वेद था उसके पाठ्यकर्ता को क्या बोलते हैं, होत्र। ठीक है, यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में किसका, यज्ञों के नियम का है, बलिदान विधि का वर्णन है। ठीक है, इन सबका वर्णन है किसमें, यजुर्वेद में। जो गद्य और पद्य दोनों में है ऐसा कौन सा वेद है, यजुर्वेद है। यजुर्वेद की और बातें क्या है कि यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं, इसके जो मंत्र बोलते हैं उसको क्या कहते हैं, अथर्वी। सामवेद, सामवेद में साम का अर्थ क्या है, गाना। ठीक है, तो ये सिंपल सा जो मंत्र गाए जाते हैं यज्ञ के टाइम पे उन मंत्रों का उल्लेख किसमें है, सामवेद में है। और इसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक। और इसके पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं, उद्रातु कहते हैं। ये बातें आपको इसमें याद होनी चाहिए, कौन कौन सी, कि सामवेद में किसका वर्णन है, गाने का वर्णन है। कौन से गाने का, जो यज्ञ के टाइम पे जो अपन मंत्र बोलते हैं उनका वर्णन है। और इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। गद्य और पद्य दोनों में कौन सा वेद है, यजुर्वेद है। ठीक है, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। इन दोनों वेदों में कोई भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं। अब अथर्ववेद के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए कि यह सबसे नवीनतम वेद है, पहली बात तो ये है। दूसरा, इसमें औषधि का उल्लेख सबसे पहले कौन से में हुआ, तो अथर्ववेद में हुआ। ठीक है, और कौन से ऋषि ने लिखा, अथर्व ऋषि ने लिखा था। कितने मंत्र है इसमें, 731 मंत्र है। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि कितने मंत्र इसमें, 731, और पद्य कितने हैं, 6000 पद्य। ठीक है, और अथर्ववेद के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। इसमें जादू टोने का भी वर्णन है ना, जो भी वशीकरण की और ये प्रक्रिया होती है सारी अथर्ववेद में लिखी हुई है। ठीक है, अगर आपको कभी समय मिलता है तो आप खुद से पढ़िएगा उनको। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का इस बात से है कि इसमें सामान्य पुरुषों के विचारों और अंधविश्वासों का वर्णन है। ठीक है, जो नॉर्मल लोग है, जो भी अंधविश्वास उनका रहता है, ठीक है, जादू टोने पे, भगवान पे, सब चीजों का इसमें वर्णन किसमें है, तो अथर्ववेद में। ठीक है,
ये कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है, ठीक है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, ये लाइन दूसरी बार पूछी जाती है, कौन पूछे कि अथर्ववेद में कौन से वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है, तो अथर्ववेद में। इस वेद में एक और लाइन है कि सभा और समिति को क्या कहा गया है, प्रजापति की दो पुत्रिया कहा गया है, ठीक है। अब वेदों की शाखा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक दो बार पढ़ लीजिएगा कि शाकल शाखा जो है वो ऋग्वेद की एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। यजुर्वेद की कौन कौन से दो शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। और एक लास्ट में आपको ये याद रखना है कि अथर्ववेद की जो शाखाएं हैं वो कौन कौन से, शौनक और पेपललाद, ठीक है। मैंने क्या रिपीट करता हूं मैं वापस से, ऋग्वेद से जुड़ी कौन सी एकमात्र जीवित शाखा है, शाकल शाखा। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। और तीसरे का हमने याद कर लिया अथर्ववेद का, शौनक और पेपललाद। तो इससे अगर कोई बची हुई आ गई तो हम आंसर क्या लगा देंगे, सामवेद लगा देंगे, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद, और सबसे बाद का कौन सा है, अथर्ववेद, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदों की, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।